तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि सारी कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं। अगर आप कहीं पे कोई लेटर वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, किसी भी तरीके का अगर आपके पास फेक डॉक्यूमेंट है, अगर वो लगा के किसी कंपनी में जा रहे हो, तो क्या सारी कंपनी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन करेंगी या करती हैं? तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जी हाँ, 90% केसेस में, यानी कि 90% कंपनीज जो हैं वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं। अब कौन सी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती हैं? लाइक जहाँ पे 10 से 15 एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना अच्छे से नहीं होता है। हालांकि वहाँ भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह आते हैं, जो कंपनीज़ के ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, जहाँ पे मान लो अगर अपनी कोई कंपनी भी नहीं, तब भी आप चाहो ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फेक है चेक कर सकते हो। तो उनके पास वो फ्री टूल्स होते हैं या फिर वो पेड वर्जन के टूल्स होते हैं, वो लोग परचेस करके रखते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या रोल नंबर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो वहाँ पे एक बार अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन वो हो जाता है। एंड दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो तो अपने थर्ड पार्टी के थ्रू तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना टेंडर किसी दूसरे को दे देते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। अगर मैं यहीं पर बात करूँ एक छोटी कंपनी की, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जब वहाँ पर आप अप्लाई करके जॉब के लिए जाते हो, तो जॉब वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो, तो वो क्या करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा प्रीवियस 1 ईयर और प्रीवियस 2 ईयर, इससे ज़्यादा वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। कि आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो पूरे 5 साल को उठा के आपका एक्सपीरियंस का वहाँ पर वेरीफिकेशन करेंगे, तो ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। एंड जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें क्या है, 5 साल का हो या 10 साल का हो, वो चाहे आपकी प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी बंद भी हो गई हो, तब भी वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। इनकेस अगर कंपनी बंद हो गई है, तो उसके लिए एक दूसरा जो ऑल्टरनेट होता है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन मेल होने चाहिए, लाइक ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, या जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो अगर ऑन मेल हैं, अगर कंपनी वो बंद भी हो गई, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे स्मॉल कंपनी हो। और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली छोड़ देते हैं 1 साल 2 साल तक का वहाँ पे ऑफ़र लेटर वगैरह देख के, और बाकी तो सारी चीज़ें अंदर ही पता चलती हैं, जो काम वगैरह का क्या कैसा है। लेकिन जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेन चीज़ होता है, उसमें वो कंपनीज नहीं करती हैं, छोटी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा दिनों के पीछे वाला। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने कहीं भी लाइक जो डिग्री, मार्कशीट वगैरह ये सब कुछ फेक किया हुआ है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप वहाँ पे पकड़ जाओगे। वो ऐसे ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, अगर आपका नेट पे या यूनिवर्सिटी वगैरह में आपका अनुक्रमांक या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, रोल नंबर वगैरह या मार्क्स, अटेंडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ऑनलाइन मैनेज होती हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं है या आपकी नेट पे, गूगल पे नहीं है, तो जैसे ही वो अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर वो एरर दे देता है या बता देता है कि दिस इज़ अ फेक डॉक्यूमेंट, इस तरीके के वहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ यहीं पे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह की, तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कई हद तक ठीक हैं चीज़ें, इतना प्रीवियस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है, आराम से वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या चल जाएगा क्या नहीं चल जाएगा, लेकिन आप वो समझ रहे होगे। एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में थोड़ा सा बच के रहना, बस एक सिंपल सा वे है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ बनवाए हुए हैं, वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से पकड़ लो, और उसके बाद जब वहाँ से एक्सपीरियंस हो जाए, वो छोड़ के किसी नेक्स्ट कंपनी में स्विच कर जाओ, जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, और जो आपने बनवाया है उसे रिमूव कर दो। तो ये होती हैं थोड़ी सी ट्रिक्स जॉब पाने के लिए, जॉब वहाँ पर लेने के लिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई नहीं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर फॉलो करने के बाद मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पर ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।